हेलो डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दिस इज विष्णुकांत सिंह, वेलकम टू सॉलिड एडमिशन मीडिया। टुडे मेनली वी गोना डिस्कस अबाउट द नीट पीजी 2024 प्री एडिट विंडो। जी हाँ, प्री एडिट विंडो ऑलरेडी आज से ओपन किया गया है एंड 3rd of June तक रहेगा। इसके बाद अगेन एक फाइनल विंडो ओपन किया जाएगा, फाइनल एडिट विंडो ओपन किया जाएगा, डेट विल बी फ्रॉम द 7th of June टू द 10th of June। बात करूँ NBA की तरफ से, आपको मॉर्निंग में मैक्सिमम कैंडिडेट्स को नहीं, एक सम ऑफ अमाउंट ऑफ कैंडिडेट्स को एक मेल किया गया है, एज वेल एज आपके गिवन मोबाइल नंबर पे एक टेक्स्ट भी किया गया है, जिसमें आपके कुछ इमेजेस, आइदर आपके अपलोडेड इमेज हो सकते हैं, थंब इमेज हो सकते हैं, थंब इम्प्रेशन हो सकता है, या आपने जो सिग्नेचर अपलोड किया हुआ है, या आपने जो वेबकैम से आपने अगर इमेज कोई अपलोड की थी, जो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे देना होता है, वाइट बैकग्राउंड को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। अगर ऐसा कोई मेल रिसीव हुआ है, इसके लिए आपको जो आपने मेल आईडी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया था, एक बार जीमेल लॉगिन कर लीजिए। हो सकता है नॉर्मली इनबॉक्स में ना दिखे, तो एक बार स्पैम बॉक्स भी चेक कर लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम देखा गया है NBA की मेल आपके हो सकता है ड्यू टू एनी वेरिफिकेशन स्पैम बॉक्स में भी चला जाता है या टेक्स्ट मैसेज आया हुआ है। इन ए केस अगर आपको मेल और मैसेज आया हुआ है, तभी आपको एडिट विंडो यूज करना है, या एडिट विंडो को यूज करके अपने फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, दैट इज आपके अपलोडेड इमेज, आपने जो थंब इम्प्रेशन दिया है, सिग्नेचर एज वेल एज वेबकैम इमेज को चेंज कर सकते हो। ये तभी पॉसिबल है जब आपको मेल आया है या आपको टेक्स्ट मैसेज आया है। इन केस ना तो आपको मेल आया है ना टेक्स्ट मैसेज आया है, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपका फॉर्म ऑलरेडी सक्सेसफुल एडिट हो चुका है, इसमें कोई फर्दर चेंजेस नहीं कर सकते हो आप। मैक्सिमम कॉल्स हमें इसलिए भी आ रहे हैं कि सर हम OBC से हैं या हम EWS से हैं, हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे तो फिलअप कर दिया था, बट अभी हमारे पास हमारा सर्टिफिकेट रेडी नहीं हो पा रहा है या हम नहीं रेडी कर पाएंगे, तो हमें अपनी कैटेगरी को चेंज करना है। ऐसे में हम कैसे करेंगे? जब आपके MCC के अंदर जब आपकी काउंसलिंग बिगिन होगी, वहां पे अगेन एक रजिस्ट्रेशन होगा एंड उस रजिस्ट्रेशन टाइम पे अगेन एक एडिट विंडो ओपन किया जाएगा, जिसमें आप किसी भी कैटेगरी से हो उससे अपग्रेड कर सकते हो। मतलब कि अगर आप SC ST से हो, OBC में जाना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, OBC से जनरल में जाना चाहते हो वो कर सकते हो, जनरल EWS से जनरल में जाना चाहते हो, तो ये भी आपको ऑप्शन वहां पे दिया जाएगा। बट रिवर्स पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि अभी आपने जनरल फिलअप कर दिया है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप एडिट करके जनरल से EWS या OBC में शिफ्ट हो जाओ, ये पॉसिबल नहीं होगा। मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में भी मेंशन किया था कि मैक्सिमम चांसेस हैं NBA आपको मेल करेगी एज वेल एज टेक्स्ट मैसेज आएगा, सिंस द मॉर्निंग मल्टीपल कॉल्स आ रहे थे, दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग दिस वीडियो। इन ए केस अगर आपको आया है मेल, गेट यू हैव रिसीव्ड अ टेक्स्ट मैसेज और अ मेल फ्रॉम NBA स्टेटिंग यू हैव टू रेक्टिफाई योर इमेज, तो क्या फॉलोइंग रीजंस हो सकते हैं उसके रिजेक्शन के, वो ऑलरेडी हमने अपने ब्लॉग पेज या हमारी वेबसाइट admissionmedia.in पे जाके आप चेक कर सकते हो, फॉलोइंग रीजन हमने दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर इमेज को चेंज करिए और अपलोड कर दीजिए, दैट्स इट। इन ए केस अगर मेल या टेक्स्ट मैसेज नहीं आया है, तो पैनिक होने की नीड बिल्कुल नहीं है, आपका फॉर्म ऑलरेडी सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। बात करूं लिस्ट की, ये प्री एडिट विंडो है, हो सकता है अभी लिस्ट ना पब्लिश की जाए, बट फाइनल एडिट विंडो के पहले लिस्ट पब्लिश की जाएगी, चांसेस हैं। चांसेस ये भी हो सकता है कि लिस्ट अभी आ जाए, मोस्ट प्रॉबली कल भी आ सकती है। इन ए केस नहीं भी आती है, तो ये ऑलरेडी आपको मेल करके इन्फॉर्म किया गया है। इन ए केस अगर आपके फॉर्म इस मोमेंट पे भी रिजेक्ट हो जाते हैं ड्यू टू योर फॉलोइंग अपडेट्स, डेट इज फोटोज के अपलोड्स, सिग्नेचर या थंब की वजह से भी अगर ये चेंजेस नहीं रेक्टिफाई होते हैं, तब आपको NBA हो सकता है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट की एक निकाले, एक PDF आएगा, लास्ट ईयर भी आया था, मल्टीपल एग्जाम्स के लिए ऑलरेडी उन्होंने इन्फॉर्म किया है, तो नो डाउट PG 24 के लिए भी PDF आएगी। हो सकता है प्री एडिट विंडो में ना आके यहाँ पे जो कैंडिडेट्स रेक्टिफाई कर लेंगे या जिनका एक्सेप्ट हो जाएगा, उनको हटा के फाइनल एडिट विंडो के पहले एक लिस्ट लाएं और वहां पे आपको अगेन मौका मिलेगा, क्योंकि 7th of June टू 10th of June अगेन आपको चांस दिया जाएगा कि इस मोमेंट पे, यानी कि प्री एडिट में भी आपका रिजेक्ट हो जाता है तब भी पैनिक की जरूरत नहीं है, फाइनल एडिट विंडो में अगेन आपको टाइम मिलेगा, चेंज कर सकते हो। क्या फॉलोइंग चेंजेस करने हैं, एक बार आप लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, एक्चुअली आप वहां से चेक कर सकते हो कि आपके इमेजेस या जो भी अपलोड फोटोग्राफ्स हैं, थंब इम्प्रेशन है, अगर रिजेक्ट हुए हैं ड्यू टू एनी रीजन, तो उसके पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिए। मेल आया है तभी कुछ करने की जरूरत है, टेक्स्ट मैसेज आया है तभी कुछ करने की जरूरत है, नहीं आया है तो नो नीड टू वरी एट ऑल, आपके फॉर्म एक्सेप्ट किए जा चुके हैं। इवन जिनको आया भी है उनको भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है,
एक बार उसको चेक कर लीजिए। हमारी वेबसाइट admissionmedia.in पे आपको मिल जाएगा डिटेल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स भी है, आप वहां से भी चेक कर सकते हो। इसके अलावा प्रिपरेशन पे फोकस करिए, ज्यादा समय नहीं बचा है, फालतू चीजों से थोड़ा सा टाइम निकालिए, लास्ट ईयर की PYQ सॉल्व करिए, जो नया आपका अपग्रेडेड सिस्टम आया है या जो आपके नए मैथ सिस्टम लाए गए हैं या पैटर्न लाया गया है PG24 के लिए, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन करिए। जो भी आपको टाइम बाउंडेशन वहाँ पे सेक्शन वाइज मिलेगा उसको अभी से फॉलोअप करिए, हो सकता है आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिले, नो डाउट हेल्पफुल मिलेगा। इसके अलावा भी अगर कोई और क्वेश्चन है, कोई और भी क्वेरी है, तो आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नो डाउट वी विल बी रिप्लाइंग यू बैक। एज वेल एज हमारी प्रीवियस वीडियो में जो हमने डिस्कशन किया था रिगार्डिंग योर सीट बुकिंग एंड ब्लॉकिंग क्या पॉसिबिलिटीज हैं नहीं है, वो एक बार जरूर देख लीजिए। एज वेल एज प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे कॉम्पिटिशन लेवल की भी बात की है, पेपर लेवल क्या हो सकता है, इन चीजों पर भी डिस्कशन किया है, नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लीजिए। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर यू अपकमिंग एग्जामिनेशन दैट इज PG24। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी करियर है, तो नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।